नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का YouTube चैनल NRJ फाइनेंस पर। तो हम लोग यहाँ डिस्कस करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के लेवल्स और उसके साथ में कुछ सिलेक्टेड स्टॉक्स जिन पे हमको नजर रखनी है कल के लिए। तो आज जैसा कि टेलीग्राम चैनल पर भी मैंने डिस्कस किया था, बोला था RBL बैंक, आई थिंक दैट टाइम इट वॉज अराउंड 152 और 153। तो उसके बाद से आज पूरा दिन अगर आप देखोगे RBL बैंक में एक अच्छा खासा मूव मिला है, जबरदस्त बुलिश मूव था और अभी भी ये ऊपर की तरफ, इसमें जो स्कोप बाकी है पूरा पूरा 180 के लिए स्कोप बचा हुआ है। तो कल फिर से RBL बैंक ट्राई कर सकता है 180 के लेवल और उस हिसाब से आप इसको ट्रैक कर सकते हैं। बाकी स्टॉप लॉस की जो बात रहती है, इस पे अगर किसी को ट्रेड लेना है अपसाइड में तो 165 का SL रख करके, आई थिंक अगर ये गैप अप ओपन करता है, इन केस अगर ये गैप अप ओपन करता है, दो तीन पॉइंट ही ओपन करता है देन इट्स इनफ। तो उस केस में आप क्या करोगे, आज का जो क्लोजिंग प्राइस है बस वही स्टॉप लॉस रख लेना, अदरवाइज आई मीन आप अपने कैपिटल के हिसाब से स्टॉप लॉस रख करके इस पर ट्रेड ले सकते हैं। लेकिन अभी इस स्टॉक में जो स्कोप बचा हुआ है वो ऑलमोस्ट 180 तक का स्कोप बचा हुआ है। एक बार 180 क्रॉस करता है उसके ऊपर क्लोजिंग आती है तो फिर हम ऊपर के लेवल्स देखेंगे, दैट इज ऑलमोस्ट 187 टू 200 के लेवल इस पे बन सकते हैं। तो RBL बैंक में नजर रखिए और इसके साथ में एक स्टॉक और है, बंधन बैंक। अगर आप बंधन बैंक को देखोगे ये भी इस समय चौंका रहा है और ओवरऑल आप देखोगे ऑलमोस्ट ब्रेकआउट के पास में है। अभी ये कंटिन्यू करता है, देखिए 273 इसका आज का क्लोजिंग प्राइस यहाँ दिखा रहा है। अगर 275 के ऊपर लगातार रहता है तो फिर ये आपको इजिली 280 से लेकर के ऑलमोस्ट 285 तक के लेवल फिर से दिखा सकता है। तो बंधन बैंक पे भी नजर रखिए। उसके बाद में एक और छोटा स्टॉक लेकर के आया हूँ, दैट इज प्रेस्टीज। तो दोस्तों प्रेस्टीज में भी ऑलमोस्ट अपने जिस लेवल पे है, यहां पर अगर आप देखोगे पहले के टाइम पे, इसको अगर मैं ये अगर आप देख पा रहे होगे, ये जो है पहले कई बार रेजिस्टेंस का काम कर चुका है ये लेवल, यानी ऑलमोस्ट 193 से 200 का जो जोन है वो प्रेस्टीज के लिए रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। अब कल 193 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू करता है स्टॉक तो फिर एक मूव आपको दे सकता है और 200 तक का मूव बना के दे देगा। तो ये दोस्तों जो ऊपर के मूव है, चाहे RBL बैंक हो या बंधन बैंक हो या प्रेस्टीज, ये उस केस में है अगर कल निफ्टी फ्लैट ओपन होता है या फिर थोड़ा गैप अप ओपन होता है और फिर उसको सस्टेन करता है। यानी जहां भी आपको लॉन्ग होना है थोड़ा मार्केट का ट्रेंड देखे रहिएगा, बुलिश है कि बियरिश। अगर बुलिश है तो ऐसे में स्टॉक्स पे भी आप नजर रख सकते हो जहां पर आपको मिनिमम 5 टू 7 पॉइंट्स इजिली मिल सकते हैं। फिर उसके बाद में नेक्स्ट स्टॉक है MFSL। MFSL को अगर आप देखोगे बार बार आता है अपने 200 DMA सपोर्ट के पास आकर के फिर से उछल जाता है और फिर से देखिए जहां पर ये रेजिस्टेंस लेके वापस आता था उधर ही क्लोजिंग है इसकी। तो एक काम कीजिए, इसको आप वेट कर सकते हैं 487 का। 487 के ऊपर अगर ये कंटिन्यू करता है तो फिर हो सकता है कल ये एक बड़ा मूव दे देगा और 487 के ऊपर 500 तक के लेवल आपको ये बना के दे सकता है ऊपर की तरफ। अब नीचे की तरफ की बात करें तो इस पे जो लेवल है इसका 480 का, 480 के नीचे अगर कंटिन्यू करता है तो फिर आप इसमें नीचे की तरफ 5 टू 7 पॉइंट्स के लिए इसको शॉर्ट भी कर सकते हो MFSL को। तो इस पे भी नजर रखिएगा। अगर दोस्तों आप लोगों को व्हाट्सएप लिस्ट में ऐड होना है तो आप मेरे रिफरल लिंक के थ्रू एंजल ब्रोकिंग में फ्री डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जब आप इस URL पे क्लिक करोगे तो आपको वहां पर कोड दिखेगा NRNEX, और ये जो URL है ये वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे, जब आप जाते हो वीडियो के नीचे जहाँ कमेंट्स वगैरह होते हैं उसके जस्ट ऊपर, तो वहां आप देखोगे इसके लिए मैंने URL भी दे रखा है, लिंक दे रखा है। तो इसको आप अगर डीमैट अकाउंट ओपन करते हो आपको लाइफ टाइम फ्री एक्सेस रहेगा व्हाट्सएप लिस्ट में, और वहां पे कई सारी चीजें, आई मीन कई कॉल्स, चार्ट एनालिसिस और ऑन डिमांड चार्ट्स एंड जो भी आपका डाउट है, क्वेरीज है, सारी चीजें वहां पर डिस्कस की जाती हैं। अब चलिए बात करते हैं, प्रेस्टीज हो गया, बायोकॉन। जी हाँ, बायोकॉन इस पे थोड़ा नजर रखिए।
ये आज का कैंडल, ये कल का और ये उसके पहले का, लगातार अगर आप देख रहे हो बायोकॉन एक सपोर्ट जो ले रहा है वो ऑलमोस्ट 380 के पास में सपोर्ट ले रहा है, राइट। और जो रेजिस्टेंस इसको मिल रहा है वो मिल रहा है 390 के पास, 393 से लेकर के 395 के बीच में। तो दोस्तों कल अगर फिर से ये इसका जो रेजिस्टेंस है 393, इससे अगर इसके ऊपर ये सस्टेन करने लगता है, ट्रेड करने लगता है, तो फिर 393 के ऊपर 7 पॉइंट्स यानी 400 तक के लेवल पहला टारगेट, और 400 को क्रॉस करके अगर क्लोज करता है तो फिर ये मिनिमम आपको 15 टू 20 पॉइंट्स इजिली देगा, ऑल टाइम हाई ब्रेक करेगा अगर ये 400 के ऊपर जाता है तो। बायोकॉन पे नजर रखिए, और अगर मार्केट लॉन्ग होता है, फार्मा सेक्टर लॉन्ग चलता है यानी कि बुलिश रहता है, तो कहीं ना कहीं बायोकॉन, ग्लेनमार्क ये दोनों स्टॉक कुछ अच्छी परफॉर्मेंस आपको दिखा सकते हैं, साथ में ल्यूपिन भी, ल्यूपिन को भी नजर में रखिएगा। अब चलिए दोस्तों बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में फिर से आप देखिए दोस्तों, लोग बोलते हैं सर सीखना है सीखना है, आप वीडियो देखिए, आपको यहाँ पे इजिली सब कुछ सीखने को मिल जाएगा। कैंडल्स को ही आप देख लो, ये वाली कैंडल का लो क्या था, राइट, इसका लो था 10,025.30 के आसपास में। नाउ यहां पर एक ये कैंडल और क्लोज हुई उसी लेवल पे, आज भी वही सेम ऑलमोस्ट लेवल बना, राइट। ये कैंडल अगर आप देख रहे हो, मुझे थोड़ा जूम कर लेने दो, जी हाँ। अब अगर आप यहां भी देखोगे, ये भी उसका लो था, यानी एक सपोर्ट बन चुका है। 10,030 वाला जो लेवल है वो एक सपोर्ट का काम कर रहा है निफ्टी 50 के लिए। तो जब तक इसके ऊपर है आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ऊपर की तरफ जब आप जाते हो तो रेजिस्टेंस कहां मिलता है, वो मिलता है 10,190 के आसपास में। थोड़ा और जूम कर लिया, ये देखिए ऑलमोस्ट अगर यहां पर आप देखोगे, ये जो है ये लाइन रेजिस्टेंस का काम कर रही है, राइट। ऑलमोस्ट 10,190 से 200 की लेवल की आप बात कर सकते हो यहां पर। तो दोस्तों यही निफ्टी के लिए कल भी रेजिस्टेंस रहेगा। क्लोजिंग शानदार है, जिस हिसाब से रिकवरी हुई है वो देखने लायक थी लास्ट के 15 मिनट्स में। और आज मैं भी प्रॉफिट बुक नहीं कर पाया, जल्दी निकल गया, स्टॉप लॉस मेरा हिट हो गया। तो कल देखते हैं कैसे निफ्टी ट्रेड करता है, कैसे कहां जाता है, उसी हिसाब से ट्रेड लेंगे इसमें। लेकिन हाँ, एक बार अगर ये सस्टेन करने लगता है 10,180 के ऊपर, तो फिर कहीं ना कहीं एक अच्छा मूव देगा ऊपर की तरफ, और ऊपर की तरफ आपको 6,200 पॉइंट्स का मूव मिल सकता है। कल एक्सपायरी का दिन है, साथ में बैंक्स के लिए कुछ रिजल्ट, आई मीन डिसीजन आने वाला हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट का, साथ में एजीआर रिलेटेड जो भी डिसीजन है कोर्ट का वो भी आने वाला है। तो रिलायंस हो गया, आई मीन रिलायंस जियो, और भारतीय एयरटेल हो गया, आइडिया हो गया, तो इन तीन स्टॉक्स पे नजर रखिए, साथ में बैंकिंग सेक्टर के स्टॉक्स पे भी नजर रखिए। अगर आप देख रहे होगे तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ निफ्टी के चार्ट के बाद में बैंक निफ्टी, और उसके बाद में कुछ बैंकिंग स्टॉक्स भी चलिए देखते हैं। तो इन सब पे आपको नजर रखनी है। बाकी निफ्टी के लिए मैं बता दूं, एक बुलिश मूव माना जाएगा तभी जब ये 10,180 के ऊपर चलता है, और बियरिश मूव माना जाएगा जब ये ऑलमोस्ट 10,000 का लेवल ब्रेक कर दे, उसके नीचे चला जाए। तो ये दोनों जो लेवल है ये निफ्टी के लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट रहेंगे, और उसी हिसाब से आपको ट्रेड लेना है। अगर बीच में ही रहता है तो फिर छोटे छोटे ट्रेड्स देखिए, ज्यादा लालच मत कीजिए। 10 to 20 पॉइंट्स मिलता है निफ्टी में ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ फ्यूचर्स में, दैट इज इनफ। उसी हिसाब से जब तक निफ्टी ऊपर की तरफ जो 10,180 की रेंज, और नीचे की तरफ 10,000 यानी 180 पॉइंट्स की रेंज में जब तक निफ्टी रहेगा, तब तक एक बड़ा मूव आपको देखने को नहीं मिलेगा। अब चलिए बात करते हैं बैंक निफ्टी की। तो दोस्तों बैंक निफ्टी हालांकि अंडर परफॉर्मर रहा है अगर निफ्टी के कंपैरिजन में आप देखो, लेकिन अभी भी जिस हिसाब से ये ट्रेड कर रहा है अपने रेजिस्टेंस के पास में, थोड़ा सा मतलब या तो आया या तो गया वाली सिचुएशन यहां बनी हुई है, और इसका हमें वेट करना है कि ये क्लियर डायरेक्शन कब आएगी बैंक निफ्टी में भी, राइट। अगर आप देखोगे कई बार इसी लेवल से आकर के, ये देखिए अगर ये चीज आई, आप यहां पे देखेंगे ये हो गया, राइट, यहां पर भी देखिए आया,
यहां से भी रिवर्स कर गया राइट, यहां पर आकर के ब्रेकआउट दिया और फिर फाइनली अच्छा खासा गैप डाउन हुआ और फिर से यहीं पे देखिए ब्रेकआउट मिला इसी लेवल पे, फिर नीचे आ गया। यानी 21,240-250 का जो रेंज है एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम कर रहा है बैंक निफ्टी के लिए। अब एक बार अगर ये क्लोजिंग देता है 21,300 के ऊपर कंटिन्यू करता है तो फिर आपको 21,500 और 21,500 के बाद में 21,700 से लेकर के 22,000 तक के लेवल दिखा सकता है। मगर अगर यहां से कल ये मार्केट गैप डाउन होता है, रिवर्स होता है, तो फिर बेटर है कि आप इसको शॉर्ट तभी करो जब ये लेवल ब्रेक करता है ऑलमोस्ट 20,900 का। 20,900 का लेवल जब ब्रेक कर दे तब आप नीचे की तरफ 20,700 और 20,500 तक के लिए इस पे ट्रेड ले सकते हो। लेकिन याद रहे आपको 20,700 जो है वो एक अच्छा खासा सपोर्ट भी है बैंक निफ्टी के लिए, तो इस चीज को आप लोग ध्यान में जरूर रखिएगा। तो दोस्तों इसके अलावा कुछ बैंकिंग स्टॉक्स अगर हम लोग बात करें तो यहां पर अगर आप देखते हो आज कैनरा बैंक कई दिन से एक ही रेंज में चल रहा है राइट, और एचडीएफसी बैंक टूट रहा, ना तो टूट रहा है अच्छे से ना ऊपर जा रहा है अच्छे से, तो ये भी एक रेंज में। हाँ इंडसइंड बैंक में अगर आप देखोगे एक अच्छा मूव दिख रहा है, ये देखिए अपने हाइज को ब्रेक करके ये ऊपर की तरफ आज क्लोज किया, यानी कि अभी भी इस पे मैंने हिंट दे दिया आपको, अब आपका ट्रेड करना आपका काम है 540 से लेकर के 600 तक के लेवल भी अगर ये बना दे तो कोई बड़ी बात नहीं है। अगर बैंक निफ्टी बुलिश रहता है, मार्केट बुलिश रहता है, तो फिर नो डाउट बैंकिंग स्टॉक्स में इंडसइंड बैंक हो गया, आरबीएल बैंक हो गया, ये सब जो अच्छे खासे पिटे हुए स्टॉक थे, बंधन बैंक, इन सब पे नजर रखिएगा। उसके बाद में पीएसयू की बात करें तो केनरा बैंक देखिए, केनरा बैंक में 4 पॉइंट्स का आज उछाल है, साथ में एसबीआई में भी अच्छा खासा उछाल देखने को मिल रहा है। इसके साथ में अगर आप देखोगे आई थिंक पीएनबी बैंक शायद मैंने हटा दिया या उसको भी मैंने रखा था लिस्ट में, पीएनबी ने भी आज आई थिंक ऑलमोस्ट 2 पॉइंट्स का मूव दिया हुआ है। पीएनबी यानी कि 33-34 के आसपास में ट्रेड कर रहा है। तो दोस्तों छोटे छोटे स्टॉक्स हैं, इन पे नजर रखिए, अगर कल बैंक निफ्टी बुलिश जाता है तो ये स्टॉक्स अच्छा खासा आपको मूव दे सकते हैं, आपको चौंका सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को अगर टेलीग्राम या ट्विटर में मुझे फॉलो करना है तो आप इस लिंक का यूज कर सकते हो, और या फिर टेलीग्राम में जाके आप सर्च कर सकते हो एनआरजे फाइनेंस, वहां से आप मुझको ज्वाइन कर सकते हो। वीडियो पसंद आई तो प्लीज लाइक कर लीजिएगा और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। थैंक यू।